थाना साहगंज के अंतर्गत डाकखाना के निकट गाय का शव देखने को मिला। वहीं मौके पर हिंदूवादी नेताओं ने क्षेत्रीय निवासियों की मदद से गाय के शव को मौके पर थाना पुलिस एवं नगर निगम की गाड़ी के हवाले शव को किया। मौके पर क्षेत्रीय थाना साहगंज पुलिस वहीं क्षेत्रीय निवासी गढ़गांव रक्षा प्रमुख योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने गाय को नगर निगम की गाड़ी पर तैनात कर्मचारियों को मध्य रात्रि गाय के शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा। शुभ नाम है बताने। मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, जैसे कि आज गाय माता देखने को मिला कि आज गाय माता मरी हुई पड़ी हुई थी, आज किन किन लोगों ने किसकी मदद से आज आज एक्चुअली मैं ऑफिस से आया तो मैंने देखा था डाकखाने भूमिपुरे के बगल में, हाँ तो गाय माता मेरी डेथ हुई थी, हाँ लेकिन मैं घर नहीं गया था जी। लेकिन गाय माता की सेवा करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी मार रोकी, मैं गाय माता की सेवा के लिए अपनी गाड़ी भी रोक दी। और हर आदमी को रोकनी चाहिए ऐसी गाड़ी। मतलब आज नगर निगम की गाड़ी आई तो किसके नेतृत्व में आई गई वो गाड़ी? जो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ तो मुझे हर नागरिक के हिसाब से मतलब रुकना चाहिए सबको। परिचय दो। मेरा नाम शंकर मावर। मावर जी, आज जैसे कि मरी हुई गाय को देखा गया था कि किसके किसने किसके कितनी देर में कितने लोगों ने किस मदद के साथ आज उठाया गया? आज भैया अपना ये सागन थाना अपना सीढ़ी चौड़ाया प्लस उसके बाद में एक गाय पड़ी हुई थी यहाँ पर मरी हुई। हमने फोन किया था उनको 112 नंबर पर, कॉल करते ही कुछ दो पुलिस वाले आए थे। उसके बाद में नगर निगम से गाड़ी आई, गाड़ी वालों ने बहुत साथ दिया, हमने भी साथ दिया गाड़ी वालों को। उन्होंने गाय को अंदर ले गए, अंदर ले जाकर नहीं उसको गाय को अंदर अच्छी तरह से संभाल के रखा है। भले गाय अपनी मरी है, माँ है अपनी गाय, तो गाय को अंदर ले गए और बहुत अच्छी तरह से अंदर ले गए उसको। बहुत अपने मैं क्या बताऊँ अपने हिंदुत्व के बारे में। अब संस्कार किस तरीके से हुआ होगा गाय माता का? अब गाय माता का अब तो भैया बताएंगे। कौन बताएंगे? अपने विपिन भाई हैं जो आए हैं, विपिन भाई अपने गाड़ी के नगर निगम से आए हुए हैं, वो संस्कार कराएंगे इसका। कितने घंटे बाद सूचना मिली थी आपको? हमें एक घंटे में सूचना मिली थी इसकी। गोरक्षा प्रमुख से जोड़ेंगे आप? जी सर।